नाम भूपेंद्र कुमार हिरामी, कक्षा आठवीं, ग्राम छिनभर्री चना गांव में पढ़ता हूँ। और ये मुंहा हम लोग बीनते हैं और बहुत सारे सकल कर बाज़ार में ले जाते हैं और बेच देते हैं, और उससे पैसा मिलता है तो उसके कुछ कुछ सामान खरीदते हैं। मेरे माँ और बाप जाते हैं तो लोग बहुत बूढ़ी बूढ़ा हो गए हैं ना, इसलिए मैं जाता नहीं भी बोलते तो भी। महुआ बिनना कैसा लगता है तुमको? ठीक तो लगता है, लेकिन बहुत हाथ पैर दर्द करता है, कन्हिया दर्द करता है, कोहनी कमर दर्द करता है, सबके खर्चा पानी के लिए हो जाता है ना। बीनते हैं तो 20 रुपये किलो है, और 5 किलो भी लेंगे तो 100 रुपये हो गया। आपका कितना पेड़ है? मेरा 13। 13 ठो है? हाँ, सभी नहीं गिरता, लेकिन यहाँ 4-5 ठो नहीं गिरता। बेंदा है तो नहीं गिरता ना मुँह। मैं बड़े होकर आर्मी बनना चाहता हूँ, तो मैं देश का रक्षा करूँगा। मऊहा के बीने धारे ले चुराखी, हाली झोली के दोरे बिना ताही करो। मऊहा के बीने धारे ले चुराखी, हाली झोली के दो मऊहा बीने दे दो। किंदारी मऊहा बीने दो, हाली झोली रे दो। मैं खुद भी आदिवासी हूँ, आदिवासी समाज से जो मिला है कि वनोपज में महुआ उनके जीवन से सबसे बड़ा वनोपज में से सबसे महत्वपूर्ण वनोपज है, इसलिए कि उसमें 2-3 तरह की उसको फायदे होते हैं। एक तो भूख के समय महुआ उनके जीवन वो बचाता है, महुआ से लाटा भी करता, उबाल के भी खाता है, लड्डू भी बना के खाता है। दूसरी बात, उसको अगर कभी पैसे की जरूरत होती है तो उसको बेच के पैसा भी कमाता है, पैसे की भी जरूरत पूरी करती है। तीसरा, महुआ उसकी जो अगर उसको इंजॉय करना है, क्योंकि हर इंसान को थोड़ी सी इंजॉय ज़रूरी है, तो वो शराब पी के पीता भी है महुआ, अगर शराब के लिए भी होता है। महुआ पीते हैं, बाजार ले थन, ऐसे रहें तब से बिना थन। अच्छा, ये मैं अपन खाए बर रखथन तहने बिक्री करते थे। क्या करते महुआ खाथो? सब दारू बनाते हैं, पीते हैं, खाते हैं। तो खाए बर रखते हैं मतलब? और अच्छे बनाए कहीं करे बर। कतेक रखते हो में से? रखते हैं बोरा 2 बोरा रख लेते हैं। पूजा पाठ में ये महुआ आता है, महुआ का किसी भी हर पूजा पाठ में शराब तो चाहिए, तो शराब तो महुआ से ही बनेगा, और हड़िया से राइस का नहीं चलाएंगे, महुआ का ही चलेगा। इसलिए सांस्कृतिक धरो पूजा पाठ के सबके लिए महुआ, इसलिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण है महुआ। श्रीराम चरण जाई कोले कोप नाम अज्ञा घणी मारुति जे अति शीघ्र गोले मुनि मनोंकी डोंकी ले शंकर गाइले।